बात हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार 6 साल पहले इसी नारे के साथ मोदी सरकार ने इस देश की कमान को संभाला था और इस देश में जो जो उनको कमियां नज़र आती थी, जो जो खामियां नज़र आती थी, वो उससे उजागर करने के लिए सत्ता में आए, उससे इस देश को बाहर निकालने के लिए सत्ता में आए थे। आज जब लगातार 20 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जब डीजल पेट्रोल से पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो गया है, जितने भी सेलिब्रिटीज़, जितने भी कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो सड़कों पे आ जाते थे छोटी छोटी बातों के ऊपर, जितने भी सेलिब्रिटीज़ जो ट्वीट कर करके ये कहते थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हम लोग साइकिल ले लेंगे, हम लोग अपना खर्चा नहीं चला पाएंगे, आज वो सब लोग अपने घरों में मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्यों एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है यहाँ पर कि कोई भी अगर सरकार से, किसी भी सरकार की गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या सरकार से कोई भी क्वेश्चन करेगा तो वो देशद्रोह होगा। आज इस पैंडमिक की वजह से लाखों लोगों ने नौकरियां खो दी हैं, आर्थिक तंगी से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, किसान मजदूर उनके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, और आप जब क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड में सस्ता है, आपने अपने देश में लगातार उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों के ऊपर एक आर्थिक तंगी के ऊपर और मार मारनी शुरू कर दी, ऐसा क्यों है? और हम क्यों सरकार से इस चीज़ की, हमारी सरकार की ये जवाबदेही क्यों नहीं बनती? क्यों हम नहीं क्वेश्चंस कर रहे हैं सरकार से कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? किस तरह से किसान जिसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, मजदूर जिसके पास ऑलरेडी काम नहीं है, पैसा नहीं है, खाने के लिए घर में राशन नहीं है, वो किस तरह से अपने ट्रैक्टर में डीजल डलवाएंगे, किस तरह से वो खेती करेंगे? और अगर ये दाम ऐसा नहीं है कि डीजल और पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं या स्कूटर चलते हैं या टैक्सियाँ चलती हैं, हमारा पूरा का पूरा कारोबार, अगर आज डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी होगी, वो चाहे सब्ज़ी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो एक ऐसे टाइम में जब आज हमारे पास नौकरियां तक नहीं हैं, जब आज हमारे पास घर में खाने को भी नहीं है, सरकार इस पैंडमिक से लड़ने की बजाय लोगों को इस पैंडमिक के लिए आत्मनिर्भर बनाने की बातें करती है एक तरफ, और एक तरफ लोगों के ऊपर जितनी उनको मार मार सकती है वो उतनी मार मार रही है, और जब लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप एक नारा लेकर आए थे, आपने क्या किया 6 सालों में इस देश के लिए? आपने क्या किया हमें आर्थिक मंदी से उभारने के लिए? मुझे ऐसा लगता है पिछले 6 सालों में जितनी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो डबल ट्रिपल हो गई है, वो कम नहीं हुई है। आज सीमा पर भी बहुत तनाव है, आज आपके देश में लोगों के पास न खाने को है, ना नौकरियां है, महंगाई बढ़ती जा रही है। एक इस पैंडमिक से लड़ने के लिए हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से नहीं है, हमारे पास एजुकेशन अच्छे से नहीं है, लोगों को सड़कों पर मार रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम से लड़ने की बजाय नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है?